अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हसीब हेल्पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल सौतेली ममता का न्यू प्रोमो ने शेयर कर दिया गया है। और नाज़रीन, अगर आप लोग इन एक्टर के असली नाम जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नाज़रीन यहाँ पे दानियाल को हो चुका है एहसास, और नाज़रीन जिसके वजह से वो अपने अम्मी अब्बू के पास जाता है और कहता है कि मैं मनाहिल से करना चाहता हूँ शादी। और नाज़रीन जब वो पूछते हैं कि तुमने पहले कहा था नहीं करना चाहता, जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो मैंने वैसे ही ले लिया था फैसला। जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर अब बात करनी पड़ेगी ज़ुबैर को सोफिया के साथ, और नाज़रीन यहाँ पर सोफिया शायद हाँ भी कर दे। और नाज़रीन दूसरी जानब यहाँ पे नाज़रीन फेल होता दिखाई दे रहा है फरहीन का प्लान, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पे फरहीन ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था कि यहाँ पे अली ना कर देगा, लेकिन ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और नाज़रीन दूसरी जानब आप लोग देखेंगे कि नाज़रीन यहाँ पे जवेरिया सब कुछ सच सच बता देगी यासिर को कि यासिर यहाँ पर होने जा रही है मनाहिल की शादी मेरे ही कज़न के साथ। जिसके बाद यासिर ले आता है अपनी अम्मी को जवेरिया के घर, और नाज़रीन यहाँ पर रिश्ता कर देते हैं फिक्स। और नाज़रीन मिलता है मनाहिल के साथ और मनाहिल को कहता है अगर तुमने उससे रिश्ता ना तोड़ा तो मैं कर लूँगा शादी तुम्हारी बहन से और उसका वो हाल करूँगा। जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर मनाहिल कुछ ना कुछ बता देगी जवेरिया को, और नाज़रीन जवेरिया उससे मिलने जाएगी और नाज़रीन कहेगी कि तुम ऐसा वैसा कुछ करते रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं तुम्हारे बारे में पता था, तुमने इतना बड़ा दिया मुझे धोखा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, और चली जाती है। तो नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है, क्या होने वाला है, कीमती रेगा हर कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर देना। ओके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।